नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए लिया है मैंने ये मूंग दाल 50 ग्राम, कटोरी से नापेंगे तो एक कटोरी है ये, छोटी कटोरी से। इसे भिगा कर रख देना है एक घंटे पहले, खिचड़ी बनाने के एक घंटे पहले इसे भिगा कर रख देना है। और लेना है चावल, तो ये एक पाव चावल लिया है मैंने 250 ग्राम। चावल को जब खिचड़ी बनाना शुरू करेंगे तभी भिगा कर रखना है, तो चावल को दो से तीन बार धो लें फिर इसे भिगा कर रख दें पानी में। अब लेना है कुकर, फिर गैस चालू कर लेना है और फिर इसमें डाल देना है तेल। तो तेल दो से तीन चम्मच डालें, तो मैंने यहाँ पर तीन चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालना है जीरा और सरसों दाना। तो यहाँ पर एक एक छोटी चम्मच से मैंने जीरा और सरसों दाना लिया है, ये इसमें डाल देना है। फिर इसमें डालना है चार हरी मिर्च, हरी मिर्च को इस तरह से काट लिया है। और फिर इसमें डालना है थोड़ी सी कड़ी पत्ते, और फिर इसमें डालना है लहसुन की कलियाँ इस तरह काट के, और इसे अच्छे से लाल होने तक भून लेना है। फिर इसमें डालना है प्याज, तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, ये प्याज को इस तरह से काट के डाल दे इसमें। फिर इसमें थोड़े से गाजर डाल देने हैं, और इसमें डालना है एक कटोरी हरी मटर। अभी मटर का सीज़न चालू है तो इसलिए मैं इसमें मटर भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो गाजर और मटर को स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही सिंपल सी खिचड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर इसमें डाल देना है एक टमाटर, मटर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। फिर टमाटर डालने के बाद इसे दो मिनट पका लेना है टमाटर सॉफ्ट होने तक। फिर इसमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक, और फिर इसमें डालना है आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे एक मिनट तक पका लेंगे। फिर इसमें डालना है मैगी मसाला पाउडर, तो यहाँ पर एक चम्मच मैगी मसाला पाउडर डाल दिया है मैंने, और कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करने इसमें। और इसे भी अच्छे से मिक्स करके एक मिनट तक इसे भी पका लेना है। तो इस तरह से मसालों को पका लेना है, दो से तीन मिनट तक पकाया है लगभग सभी मसालों को ऐड करते हुए। फिर इसे एक बार चम्मच से इस तरह चला लें, और फिर इसमें डाल देना है मूंग की दाल जो हमने भिगा कर रखी थी, तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और मूंग की दाल कुकर में डाल देना है। और इसी तरह से चावल को भी, चावल का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है और चावल भी डाल देने हैं कुकर में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर इसमें डाल देना है पानी, तो पानी हमने 250 ग्राम चावल लिया है, ग्लास में नापेंगे तो एक ग्लास, तो इसमें डेढ़ ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और मूँग की दाल भी डाली है तो आधा ग्लास पानी उसके लिए, तो टोटल दो ग्लास पानी डाला है इसमें। और ऊपर से डाल देना है हरा धनिया काट के, और फिर डालना है एक चम्मच घी, और इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर इसे दो से तीन सीटी होने तक पकने देंगे हाई फ्लेम पर, कुकर का ढक्कन लगाकर इसे दो से तीन सीटी होने तक इसे पका लें। इतने में अच्छे से पक जाएगी खिचड़ी। तो अभी ये देखिए दो से तीन सीटी होने तक इसे पका लिया मैंने। फिर जब सीटी खुल गई कुकर की, तो फिर इसे खोल लेना है, और फिर ये देखिए कितनी अच्छी खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। सभी चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग हैं और दाल चावल अच्छे से पक चुके हैं। तो ये मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल पर इसी तरह की इजी और सिंपल रेसिपीज़ अपलोड करके रखी हुई हैं मैंने, वो रेसिपीज़ भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।